अकेली कहानी मनु भंडारी की बहुचर्चित एवं मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी की नायिका सोमा बुआ परित्यक्त, अकेली एवं बूढ़ी है। उनके जवान बेटे की मृत्यु हो चुकी है तथा पुत्र वियोग से बेचैन हो उसका पति घर छोड़कर 11 महीने हरिद्वार रहता है तथा साल में 1 महीने के लिए घर आता है। जैसे ही उसका पति घर पर आता, वह सोमा बुआ पर अधिकार जमाने लगता तथा उसके आने जाने या किसी से मिलने जुलने पर पाबंदी लगा देता। ऐसे में सोमा बुआ का जीवन पति की उपस्थिति में तनाव के बीच ही व्यतीत होता है। सोमा बुआ पति के होते हुए भी उसके वियोग में विधवा सा जीवन 11 मास तक व्यतीत करती है। इस बीच उसका अन्य कोई रिश्तेदार न होने के कारण वह आस पड़ोस के लोगों द्वारा ही अपने एकाकीपन को दूर करने का प्रयास करती है। इस प्रकार नीरसता के साथ उनके आज 20 वर्ष बीत चुके हैं। राधा भाभी सोमा बुआ को हौसला देती है। सोमा बुआ के दुखी होने का मूल कारण यह है कि उनके पति 11 महीने तक हरिद्वार में रहते हैं और जब 1 महीने के लिए वो आते हैं तो उससे बहस करने लगते हैं। वे स्वयं तो भगवान का नाम लेकर यश कमाते रहते हैं और उसके जीवन में दुख की वर्षा करते जाते हैं। राधा से बातचीत के दौरान ही वह अपने बेटे हरखू को याद करने लगती है। एक सप्ताह बीत जाने के पश्चात सोमा बुआ अपने पति से कहती है कि देवर की समधी की किसी बेटी का विवाह उनके पड़ोस के भागीरथ के यहाँ निश्चित हुआ है, इसलिए वे सभी लोग विवाह करने के लिए यही गांव में आ रहे हैं। उसका सोचना यह है कि देवर जी से चाहे हमारा संबंध टूट चुका है, लेकिन वे समधी हमें विवाह में जरूर बुलाएंगे। यह बात उसके पति को पसंद नहीं आती है, लेकिन सोमा बुआ की उत्सुकता नित्य प्रति बढ़ने लगी। राधा से बात करते हुए सोमा बुआ एक दिन कहती है कि देवर के साथ हमारे संबंध बहुत पहले छूट गए थे, इसलिए पता नहीं वे समधी हमें बुलाएंगे कि नहीं। इस पर राधा कहती है कि समधी से कोई संबंध तोड़ता है थोड़ी है, इसलिए वे तुम्हें अवश्य ही बुलाएंगे। तभी सोमा बुआ की विधवा ननंद से पता चलता है कि उसके समधी उन्हें भी विवाह में सम्मिलित करने का मन बना रहे हैं। ये सुनकर सोमा बुआ को चिंता सताने लगी कि वह शादी में क्या पहने और क्या उपहार में दे। इस संबंध में वह राधा से सलाह लेती है। वह तभी अंदर जाकर अपने मृत बेटे की अंतिम निशानी अंगूठी निकाल कर लाती है और 25 वर्षों से टूटे संबंधों को पुनः जोड़ने के लिए उस अंगूठी को बेचने के लिए तत्पर हो जाती है। वह अंगूठी राधा को बेचने के लिए देती है और स्वयं लाल हरी कांच की चूड़ियां खरीद लाती है। शाम को राधा भाभी आकर बुआ को एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर देती है। यह देखकर सोमा बुआ प्रसन्न होती है कि एक तो उसका एकाकीपन दूर हो सकेगा, दूसरा बिरादरी में इज्जत भी रह जाएगी। यह सोच अंगूठी बेचने का गम भी वह भुला देती है। साथ ही उसने अपनी सफेद साड़ी को पीला करवाया। आखिर विवाह का दिन आया और उसने सुबह 9 बजे तक खाना तैयार कर लिया था। वह राधा को बताती है कि लग्न का समय शाम 5 बजे का है और आजकल तो फैशन वाले लोग समय से थोड़ा पहले ही सबको बुलाते हैं। बुआ शादी में सम्मिलित होने की तैयारी करने लगी। वह एक थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाती है। यह सब उसका पति भी देख रहा था तथा वह कई बार कह चुका था कि यदि वे बुलाने न आए तो वहाँ जाना नहीं। सोमा बुआ भी विश्वास के साथ कहती है कि वे जरूर बुलाएंगे और बिन बुलाए या न जाएगी। जैसे तैसे समय बढ़ता जाता है, उसकी उत्सुकता भी बढ़ती जाती है। उसकी नज़र बराबर दरवाजे पर लगी रहती है। समय गुजरता जाता है, 7 बज जाते हैं लेकिन कोई बुलावा नहीं आता। सोमा बुआ आखिरकार निराश हो बुझे दिल से अंगीठी जलाने लगती है।